अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ बढ़िया सा रायता, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं बिरयानीज़ और पुलाव के साथ के जो रायते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो मैंने आज वही बनाया है, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, और ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स के आपको रायता खाने हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं आज की रेसिपी विदाउट टाइम वेस्ट किए, साधारण यानी ऑर्डिनरी इन्ग्रीडियंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैलड आज का, रायता आज का। चलिए, सबसे पहले तो मैं सब्जियां काट लेती हूँ। तो ये है हरा धनिया, मतलब मैं तो इसे कोथमीर कहती हूँ, तो ये बारीक काट कर मैंने साइड पर रख दिया। ये एक मीडियम साइज की प्याज है, छील निकाल कर इसे इस तरीके से बारीक काटते जाए, जैसे हम छूंदा प्याज कैसे काटते हैं हमारे अंडे वगैरह के लिए, वैसे ही एकदम बारीक काट लीजिए। जब ये बारीक काट लें तो इसे साइड पर रख दीजिए। अच्छा, वो जो सामने आप देख रहे हैं वो एक टमाटर है, बड़ा सा है तो मैंने, मीडियम साइज का है तो मैंने आधा लिया है, आप चाहें तो छोटा हो तो एक लीजिएगा। अच्छा, अब बात यह है कि टमाटर को आपने है ना इस तरीके से सारे बिज्जे वगैरह और जो ऊपर का हो ना पोर्शन वो सारा निकाल दीजिए, सिर्फ जो नीचे नीचे के पोर्शन हो आपने वही लेना है, और इसके भी बारीक बारीक पीस कर लीजिए हमारे टमाटर के, और इसे भी इसी तरीके से पीसेस करके साइड पर रख दीजिए। मैं यहाँ एक छोटा सा गाजर भी ले रही हूँ, आपने नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। एक बड़े से बाउल के अंदर 2 कप दही डालिए, आप चाहे तो बाजार की ले सकते हैं, आप चाहे तो घर की भी बना सकते हैं, घर की बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको चाहिए कि मैं मेरे चैनल पर अपलोड करूँ घर में कैसे बनाते हैं दही, तो ज़रूर कहिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी रेसिपीज़ की। अब सबसे पहले तो ये सारी जो सब्जियाँ हमने काट कर रखी है, बारीक कटी हुई प्याज डाल दीजिए, ये बारीक कटे हुए टमाटर डाल दीजिए, थोड़ी सी हरा धनिया जो है ये कटा हुआ जो साइड पर रखा है ये भी डाल दीजिए, एक हरी मिर्ची को स्लिट मार कर उसे इस तरीके से बारीक काट कर डाल दीजिए। आप चाहे तो छुरी की मदद से काट सकते हैं, मेरे हाथ जलते हैं इसके लिए मैंने कैंची से काटा है। अब ये जो एक गाजर है इसे मैं इस तरीके से खुरच कर डाल देती हूँ। अच्छा, अब गाजर ये है कि बहुत बारीक नहीं करने हैं तो मत करिएगा, आप थोड़े मोटे कर सकते हैं। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि आप एकदम बारीक भी मत करिए, एकदम मोटे भी मत करिए, बीच वाला कोई हो ना उसी से खुरच लीजिएगा। क्योंकि मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी, यूजुअली मैं डालती नहीं हूँ गाजर, लेकिन वहाँ मैंने गाजर डाला हुआ रायता खाया ऐसा ही सेम, तो मुझे बड़ा पसंद आया मटन बिरयानी के साथ, तो मैंने सोचा मैं भी डाल देती हूँ। तो चलिए, ये सारी गाजर पूरी खुरच ली है, इसे भी मैं दही के अंदर डाल देती हूँ। अब इसमें डाल दीजिए चुटकी भर नमक, ज़्यादा मत डालिएगा हाँ नमक। उसके बाद 1/4 छोटे चाय का चम्मच काला नमक डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप जैसे देख सकते हैं मेरे जो गाजर का खुरचा है वो थोड़ा बारीक है, तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी दही है ना उसका कलर हल्का सा ऑरेंजिश हो जाएगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, बढ़िया सी है टेस्ट में भी, बट आपको ऐसा लगे कि ऑरेंजिश नहीं दिखाना है तो कोई बात नहीं, आप एकदम बारीक मत खुरचिएगा, मीडियम साइज के उससे खुरचिएगा, सो दैट आपका कलर वो चेंज नहीं होगा। अब एडजस्ट वगैरह करना हो तो एडजस्ट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर रही हूँ, तो थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दी मैंने, और थोड़ा सा मैं डेकोरेट लाल मिर्ची के पाउडर से कर रही हूँ, ये पूरा टोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं करना है तो ठंडा ठंडा इसे सर्व कीजिए। ये रायते को बढ़िया सा बन गया हमारा सिंपल सा रायता सर्व होने के लिए, बिरयानीज या पुलाव के साथ इसे सर्व करें। इसी तरीके से आपको और अलग अलग टाइप की रायते चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं और ज़्यादा अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। तो है ना मज़ेदार रेसिपी, अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए बराबर, ज़रा जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए ये वाली वीडियो को, और हाँ उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक्स फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।